कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के चोपरिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार सगीर नामक व्यक्ति नाम बदलकर 4 शादियां की थी। सगीर ने तीसरी पत्नी सलमा की उस वक्त हत्या कर दी जब घर का मेन दरवाजा बंद था। आरोपी साकेत नगर देवरिया का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुट गई है। सूचना पर पहुंचे राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने कड़े रुख में पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। राज्य मंत्री से जब मीडिया ने कुशीनगर जिले में हो रहे लगातार घटना का कारण पूछा गया तो क्या कहा राज्य मंत्री ने, देखें। क्या कुछ जानकारी मिला है आपको? अब जानकारी हुई है कि औरत की हत्या मुसलमान ने किया है। प्रशासनिक तंत्र, प्रशासन के सभी लोग आ गए, उसमें कार्रवाई होगी। जो भी घटना घटित हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी, लगातार जिले में घटना घटती जा रही है, सरकार इस पर क्या कर रही है? देखिए, घटनाएं तो इस तरह की थोड़े घट रही है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। कोई भी घटना मेरे जनपद में ऐसा नहीं है कि वो घटित हुआ हो, प्रशासन ने समाधान कराया हो। हर अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं, हर गलत कार्यों का समाधान हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है, पुलिस पर्दाफाश कर रही है, कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। आपके तरफ जो भी आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद के विरोध चल रहा है, आतंकवाद के विरोधी कहीं भी किसी भी रूप में सक्रियता कहीं भी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। हर घटनाओं का पर्दाफाश हो रहा है, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है, कार्रवाई हो भी रही है। आप बताइए कहीं कोई घटना इस तरह की हो जिस पर पुलिस ने कार्रवाई न किया हो? इस घटना में आपके द्वारा क्या निर्देश दिया गया है अधिकारियों को? हमने निर्देशित किया है कि जो भी अभियुक्त है, जो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रशासन पुलिस ने कर लिया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी ताकि पुनः इस तरह की घटनाएं मेरे क्षेत्र में घटित न हों।